रायपुर में है और बौद्ध महिला सम्मेलन हुआ है और क्या क्या था कार्यक्रम में हम जानते हैं जी, बताइए क्या कार्यक्रम है। आज जयंती का कार्यक्रम हुआ, 128वीं बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, जयंती के उपलक्ष्य में हम बौद्ध महिला सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ। उसके तहत हम बौद्ध महिला सम्मेलन के मंच से आज हमने सारे समाज की बहुजन महिलाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया। यहाँ देखिए, हमने गाढ़ा समाज की महिलाएं, पनका समाज की महिलाएं, ओबीसी महिलाएं, और जब तक हम इन सारी महिलाओं को या सारे समाज के लोगों को एकत्रित नहीं करेंगे तो शायद हम राजनीतिक सत्ता नहीं हासिल कर पाएंगे। जैसा कि माननीय काशीराम जी कहा करते थे कि किसी सत्य मतलब किसी समाज को जागरूक करने की या अधिकारों को पाने की चाबी उसकी राजनीति होती है, तो हमें राजनीति में आने के लिए जब तक हमें जो पिछड़ा वर्ग SC ST एंड OBC इन चारों को लेके चलेंगे तभी हम आगे आ पाएंगे।
बस सीधे ऐसे कराई रहा विजय रहा आगे से चलो फोटो की वीडियो पोछी चौकीदार को उनके चतुर श्रेणी के माली के जो पैसे रखे थे केवल वही तनख्वाह उनकी रखी थी जो 10 तारीख को बांटते थे। 6 तारीख को उनका अंतिम दिन था, वे वो बांट नहीं सके थे। अब स्थिति यह है कि भैया ट्रेन से भेजा जाए इनकी डेड बॉडी को, प्रयास किया गया तो उनके जो 4 दोस्त जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा नहीं, यदि जिस स्टेशन पर पता चल गया कि बाबा साहब का पार्थिव देह जा रहा है तो शायद ये ट्रेन 1 साल भी बम्बई नहीं पहुंच पाई। ये उनके इतने लाखों प्रशंसक अनुयायी थे, इसी कारण से प्लान बनाया गया कि प्लेन से भेजा जाए इनका पार्थिव देव। तो पार्थिव देव को प्लेन से भेजने के लिए घर में देखा तो पैसे नहीं, बाबा साहब के किसी भी कोने में पैसे नहीं मिले। ऐसे में नानक चंद्र अत्तू ने हाथ जोड़ के सबको कहा कि अब कहाँ से भेजेंगे, प्लेन के पैसे नहीं। एयर इंडिया के फ्लाइट से भेजने के बात चली तो हमारे उस समय के तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगन राम जी को पता चला कि बाबा साहब के पार्थिव देव को प्लेन से भेजना है, उन्होंने तत्काल टिकट की व्यवस्था करी। वहाँ ने वो व्यक्ति उन्होंने तत्काल प्लेन की व्यवस्था करी और प्लेन मुंबई उतरा। और जब प्लेन जब मुंबई उतरा उनके घर तक जाने के लिए जाम लग चुका था कि रात हो गई थी। अगले दिन उनको अंतिम संस्कार के लिए जाने लगा, पूरी मुंबई जाम हो चुकी थी। आज इतिहास में आज तक इतना बड़ा रेला कभी नहीं हुआ। ऐसे चैतन्य भूमि पर उनको समाधि दी गई और वहाँ पर जब उनको प्रज्वलित किया जाता था एक कुत्ता भी आके उनके बैठा था। बाबा साहब तो सबसे प्रिय उनका श्वान था, कुत्ता था, उसके बिना रहते नहीं थे, बीमार हो जाता था तो चिंतित हो जाते थे। तो ऐसे जानवरों से जो प्रेम करे, जो दबे कुत्तों से प्रेम करे, वो वास्तव में इस धरती का एक देवता। और उसने कहा था कि आप ये मत समझना कि मैं इस धरती से चला गया हूँ, जब तक इस देश में मेरा संविधान, इस वर्ल्ड में भारत का संविधान जिंदा है, समझना मैं जिंदा हूँ। हम निश्चित हमारा है कहते हैं, लेकिन मन में आज तक अलग अलग भांति के अलग अलग जाति के लोगों को एक जुट लाने का प्रयास, उसके आत्मा खुश हो रही है। पता नहीं कौन कौन थे, कहां कहां से बैठे और आप सब एक हो रहे धीरे धीरे। और मैं कहता हूं सामान्य वर्ग के बहुत सारे लोग संविधान को मानने वाले हमारे साथ हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं,
बहुत सारी मीडिया हमें सपोर्ट करती है। मैं इस घड़ी में दुख भी व्यक्त करता हूँ कि एक पेपर ने आज बाबा साहब का फोटो तक नहीं छापा। निश्चित ही ऐसे पेपरों को बंद करना चाहिए। मैं नाम हुआ नई दुनिया का, उन्होंने फ्रंट पेपर फोटो छापा बाबा साहब का। कल किसी ने भी रैली निकाली तो उसका फोटो छापा, उनके नाम छापे। उस अखबार ने किसी नाम तक नहीं छापा, किसी चिड़िया तक, यही बाबा साहब के नाम। इतने महान व्यक्ति जिनने जिनकी तुम खा रहे हो, छोटा लोग स्तंभ कहते हैं चला रहा है, तो वो कैसे चल रहा है? बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। तो ऐसे अगर हम चर्चा करने गए बाबा साहब की, तो कई रात और दिन हो जाएगी, लेकिन हम सब एक हैं तो बाबा साहब की वजह से हैं। और उन्होंने जो संविधान लिखा उसको जिंदा रखने का, ये नहीं सोचे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हर एक के कंधे पे वो भार है और वो भार लेके हमें दौड़ते रहना है, चलते रहना है। और जब तक हमारा 1028 जब तक नहीं आ जाए, जब तक पीढ़ी से पीढ़ी दर्द सजना चाहिए और ये कभी बंद नहीं होना चाहिए, तो बाबा साहब का अब तक हमारे साथ रहेंगे, जिंदा रहेंगे। जय भीम, जय भीम, धन्यवाद। हमारे बीच में रक्षा राम मोरे जी है, किसी खाली आदरणीय विधायक जी के बीच अपना स्थान ग्रहण कर ले। और आदरणीय विधायक जी राम सागर अकेला जी अपना संबोधन शुरू करेंगे। आगे और मिठाई आ रहा भाई, पानी लगाओ, तो जिस साथी को हमारे प्यास लगा पानी पी सकते हैं। आदरणीय राम सागर अकेला जी, आज बाबा साहब अम्बेडकर की 128वीं जयंती है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने साथियों से कहा था कि साथियों, मैं शारीरिक रूप से दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा रहेगा। डॉक्टर अम्बेडकर कैसे जिंदा रहेगा और कहाँ रहेगा? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जहाँ जहाँ लोग मेरी मूर्तियाँ लगाएंगे, पूरे देश में आए न आए दिन कहीं मेरा हाथ काटा जाएगा, कहीं मेरा चश्मा तोड़ा जाएगा, कहीं मेरे बदन पे। इसके खिलाफ उस पर भी विचार करना होगा। जयंती तो मन रही, बाबा साहब हमारे हैं, बाबा साहब ने संविधान चालू शुरू किया, संविधान बनाया। आज संविधान की स्थिति देश में कैसी है यह आप हम जानते हैं। संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान में से छेड़छाड़ करके 10% आरक्षण जो स्वर्णों को दिया गया है, ये संविधान के पूरे की आक्षेप है। इन लोगों ने अपने मनमानी तरीके से 10% आरक्षण स्वर्ण का बना करके और 7-8 लाख की सीमा तय कर दी इन लोगों ने, जबकि एक सरकारी कर्मचारी होता है उसकी आयकर की सीमा 5 लाख होती है। धीरे धीरे समता आंदोलन समिति के माध्यम से भारत के पुरोधा जो हिटलरशाही शासन कर रहे हैं मोदी के लोग, इन लोगों ने पूरे आरक्षण को नई नियुक्तियों में और पदोन्नति में समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। मेरा अपील है पूरे हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान में चुनाव चल रहे हैं और यही एक मौका है, क्योंकि बाबा साहब ने मत का अधिकार दिया है हर व्यक्ति को, जो हमारे जीवन का एक पार्ट है। मत का सदुपयोग करना हमारे दायित्व बनता है। इन परिस्थितियों में ये दिल्ली में बैठने वाले आरक्षण विरोधी लोग, ये फासिस्ट ताकतें, जब तक इनको ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक इनके पार्लियामेंट का रास्ता रोकेंगे नहीं, जब तक ये हमारे ऊपर अत्याचार करते रहेंगे। इसलिए पूरे राजस्थान की और पूरे हिंदुस्तान की मेरी दलित पिछड़ा और आदिवासी वर्ग से अपील है कि हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं, इसमें कम से कम इन लोगों को तो कम से कम वोट मत दो। अन्य जो पार्टी हमारा सपोर्ट करती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे BSP हो, जो हमारा सपोर्ट करती है, जो आरक्षण के लाभ दिलाने की व्यवस्था करती है, उसको आप मत का प्रयोग करें। और ये लोग अगर घुस जाएंगे वापस पार्लियामेंट में, तो 5 साल बाद में हिंदुस्तान का क्या नक्शा होगा जो आप समझ नहीं पाओगे। जगह जगह इन लोगों के द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं। UP में देखिए आप, जगह जगह दलित वर्ग के गाँव में जा जा करके नग्गे कर करके उन लोगों को मारा जा रहा है। इनकी बहुत बड़ी ताकत हो गई, इन्होंने कुछ भी नहीं किया 5 साल में आज तक, केवल नाटक कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं और भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। इससे मैं हिंदुस्तान के और राजस्थान के पूरे दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग से अपील करना चाहूँगा कि कम से कम इस मौके का फायदा उठाएं और इन लोगों को जो समाज के कंटक हैं, आरक्षित वर्ग के विरोधी हैं, इनको वोट नहीं दें, इनको जिताएं नहीं, ताकि हमारे वर्ग के जो लोग हैं, हमारा आरक्षण का लाभ देने वाले लोग हैं, उन लोगों को सताए और हमें आरक्षण बरकरार रहे। बाबा साहब का दिया हुआ जो व्यवस्था है वो कंटिन्यू जाते रहे। इसी में हम बाबा साहब का जो जन्मदिन है उसी को आस्था मानेंगे। मैं पुनः आपसे अपील करना चाहूँगा कि सारे इकट्ठे हो रहे हैं आज की तारीख में, शपथ लें जयंती समारोह में कि हम आशीष ताकतों को वोट नहीं देंगे और आरक्षित वर्ग की जो इज्जत है, आबरू है, चाहे पदोन्नति में हो, नियुक्ति में हो और चाहे किसी भी व्यवस्था में हो, उनको बरकरार रखने के लिए
हमारे लोगों को वोट देकर के हम सत्ता में लाएंगे। किसी के मुषावादा वीरमणि सिक्का पदं समादयामि।
मध्ये पमादत्थाना भीरु मनीषिका पदं समादियामि इमाय धम्मान्धं बडपत्तिया बुद्धंग पुजेमि इमाय धम्मान्धं बडपत्तिया धम्मंग पुजेमि इमाय धम्मान्धं बडपत्तिया संघंग पुजेमि अत्ता इमाय पडपत्तिया जाति जना मुनमत्सस्यामि इमना पुण्यं बाल समागमो सतंग समागमो होतु आमने बाणपत्तिया देवो वश्यतु कालेन सस संपत्ति हेतु चापीतु भवतु लोको च राजा धम्म को इमाय बुद्ध पूजाय कथाय शुद्ध चेतसाचरन तटगु शब्बंगो लोको होतु सुखी सदा इमाय धम्म पूजाय कथाय शुद्ध चेतसाचरन तटगु शब्बंगो लोको होतु सुखी सदा इमाय संघ पूजाय कथाय शुद्ध चेतसाचरन तटगु शब्बंगो लोको होतु सुखी सदा ध्रुव धरम धुरंधरम शील राशि सुवान रंगमय वंदावय वंदंग भीमे अम्बेड नामकम द्वितीयंपी तृतीयंपी ध्रुव धरम धुरंधरम शील राशि सुवान रंगमय वंदावय वंदंग भीमे अम्बेड नामकम ओकाशंग मंदामि भन्ते द्वारा तैन्मय कतंग सप्पंग अपराधं कम तू मे भन्ते बुद्धंग नमामि ओ काशंग मंदामि भन्ते तैन्मय कतंग सप्पंग अपराधं कम तू मे भन्ते धम्मंग नमामि ओ काशंग मंदामि भन्ते द्वारा तैन्मय कतंग सप्पंग अपराधं कम तू मे भन्ते संघंग नमामि बोलो साधु 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 बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 128वीं जयंती में शुभ अवसर पे है ना अरे वाह चल कुहाला पूरा हो पूरा चला हम पता नहीं था बढ़िया से वीडियो रिकॉर्डिंग है चला हूँ तब मैं हाँ नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।